बार अन्नपूर्णा मंदिर में नए प्रकार की क्या व्यवस्थाएं हैं? काशी में अति प्राचीन मंदिर अन्नपूर्णा मंदिर है, जो भारत का एक इकलौता मंदिर है जहां खजाना बंटता है। और यहां की ऐसी सी परंपरा है कि जो पूरे भारत में निःशुल्क एक अन्नपूर्णा मंदिर है जहां यहां खजाना बांटा जाता है, और कहीं ऐसी कोई परंपरा नहीं है और ना अभी तक कहीं रही है। लेकिन इस बार देखा जा रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर में तो नहीं, अन्नपूर्णा माता कनाडा से आई है, प्राचीन जो मूर्ति आई है उस पे भी मंदिर प्रशासन के लोगों ने तय किया है कि हम वहाँ भी खजाना बांटेंगे, इस नई विधा पे आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि प्राचीन परंपरा है अन्नपूर्णा मंदिर में खजाना जो बंटता है, और जो परंपरा रही है वो अन्नपूर्णा मंदिर में रही है। स्वर्णमयी के कपाट खुलते हैं, खजाने की पूजा होती है, और भारत में एक इकलौता मंदिर है अन्नपूर्णा मंदिर जहाँ निःशुल्क खजाना बांटा जाता है, और यही ये परंपरा है और कहीं ऐसी कोई परंपरा नहीं है भारत में। इस बार आप लोगों ने चांदी के भी कुछ सिक्के बनवाए हैं गुरुजी, क्या उसकी खासियत है जो भक्तों को भी मिलेगा और सब उसका लाभ उठा पाएंगे? लगभग हमने 30 किलो चांदी के सिक्के बनाए और अन्य धातुओं के बनाए, पीतल के बनाए, तांबे के बनाए, अष्ट धातु के बनाए हैं। तो ये जो सिक्के बनाए गए इसमें माँ का चित्र है, उभरता हुआ चित्र है, और जो लोग दर्शन करेंगे उनको दिया जाएगा और निःशुल्क दिया जाएगा। यहाँ की एक परंपरा है कि यहाँ का जो भी आशीर्वाद दिया जाता है, चाहे वो सिक्के हो चाहे लाभा हो, वो यहाँ से निःशुल्क मिलता है, लोग लेके जाते हैं और निश्चित है कि वो लाभान्वित होते हैं। काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है जहाँ पर सोने की तीन माताएँ और बाबा भोले विराजमान हैं। तो साल में 3 दिन इनके दर्शन होते हैं और 1 दिन 56 भोग लगता है। तो ये धनतेरस जब लगेगी, धनतेरस लगने के बाद उदया तिथि में 23 तारीख को दर्शन के लिए मंदिर खोला जाएगा। मंदिर के कपाट 3 बजे खुलेंगे, 1 घंटे पूजा अर्चना चलेगी, लगभग 4 बजे आम भक्तों के लिए खोला जाएगा, खजाने की पूजा होगी, माता तीनों माताओं की पूजा होगी, बाबा विश्वनाथ जो भिक्षा मांग रहे हैं उनकी पूजा होगी। इनकी पूजा अर्चना हो जाने के बाद में 4 बजे मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, और ये अनवरत 4 दिन चलेगा, जो 23 तारीख को सुबह 4 बजे से लेके 26 तारीख की रात्रि को 11 बजे तक चलेगा। 25 तारीख को ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण लगने के कारण अन्नपूर्णा मंदिर की ऐसी परंपरा है कि 2.5 घंटा पहले मंदिर बंद करते हैं, तो करीब करीब 2 बजे 25 तारीख को मंदिर बंद किया जाएगा और शाम को 7:30 बजे मंदिर के कपाट भक्तों के लिए फिर खोल दिए जाएंगे, जो रात्रि के 11:30 बजे तक दर्शन होगा। उसके दूसरे दिन 26 तारीख को सुबह माता के दर्शन फिर मिलेंगे, और फिर 1 बजे से भक्तों के लिए जो वहां 56 प्रकार का भोग बनाया गया है, कच्चा भोग बनाया गया, वो सभी भक्तों के लिए मिलेगा। प्रथम तल छोड़ के द्वितीय तल तृतीय तल पे भोजन की व्यवस्था है, जो भी आएगा उनके लिए कच्चा भोग माँ का मिलेगा और प्रसाद ग्रहण करके जा सकते हैं, उसका कोई शुल्क नहीं है, वो निःशुल्क है। गुरुजी क्या संख्या होगी इस बार लगभग श्रद्धालुओं के आने की? लगभग अनुमान लग रहा है 4 से 5 लाख पब्लिक जाना चाहिए चारों दिन में। पहले दिन संख्या ज़्यादा रहेगी, फिर दूसरे दिन थोड़ी सी डाउन रहेगी, तीसरे दिन ग्रहण के हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि लोग गंगा जी भी जाएंगे फिर अन्नपूर्णा जी आएंगे, तो सुबह दबाव कम रहेगा, शाम को ज़्यादा रहेगा, और अन्नकूट वाले दिन काफ़ी भीड़ होगी, क्योंकि उस दिन माता जी को 56 प्रकार का भोग लगता है और कच्चा भोग प्रसाद मंदिर में प्राप्त करते हैं लोग, इसलिए अन्नकूट वाले दिन भीड़ बहुत ज़्यादा होना है। इस बार विशेष प्रकार के सिक्के भी चलाए गए हैं गुरुदेव, क्या है उनकी विशेषताएँ? इस बार ऐसा है कि जो माता अन्नपूर्णा के सिक्के, लगभग 30 किलो चांदी के सिक्के बनाए गए हैं, और अष्ट धातु के सिक्के हैं, पीतल के सिक्के हैं, तमाम जो डेली के चलन के सिक्के हैं वो हैं। पूजा अर्चना होगी, पूजा अर्चना होने के बाद में किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, लाइन से लोग आएंगे, पहले उनको खजाना मिलेगा, फिर लाभा मिलेगा, फिर माताजी का दर्शन मिलेगा, दर्शन करते हुए लोग कतारबद्ध आगे चले जाएंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।